किन मुद्दों को लेकर ये पैदल यात्रा है और आज आप इनको समर्थन देने आए हैं? आंदोलन मतलब बिखेरने में ज्यादा ध्यान है, किसान का भला करने में ध्यान नहीं। किसान खुद ही अपनी सरकार बना ले, अगर इस सरकार पर बार बार अविश्वास के आप आरोप लगा रहे हैं तो चुडू नीते तो नहीं मिलिया यह भाषा तो उसकी भाई। किसान आंदोलन के दौरान जो आक्रोश था पब्लिक में, उस तरह का अब आक्रोश कम या खत्म होता जा रहा है, कारण क्या? देख 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इस तरह की गतिविधियां प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, बाकी सरकार पर एक तरीके से दबाव बनाने की भी कोशिश है। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं, मैं हूं अजय। फिलहाल मेरे साथ किसान नेता सुरेश कोथ मौजूद हैं और इसी के साथ साथ पगड़ी संभाल जट्टा यूनियन एक तरीके से पदयात्रा निकाल रही है इस इलाके में, और ये पदयात्रा का मकसद ये होगा कि चंडीगढ़ का घेराव, और फिलहाल सत्ताओं तक ये संदेश देने की कोशिश है कि किसानों के मुद्दों का हल नहीं होता तो 2024 में इनको मुश्किल का सामना भी करना पड़ सकता है। फिलहाल सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। ये बताइए, किन मुद्दों को लेकर ये पैदल यात्रा है और आज आप इनको समर्थन देने आए हैं? नहीं, हम तो कल भी इनके साथ थे, परसों भी इनके साथ थे। पगड़ी संभाल जट्टा संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन है, मनदीप नथवाण भाई उसका अध्यक्ष है। काफ़ी दिन से धरने लगा रहे थे। हमारा उत्तर भारत के संगठनों का एक 16 संगठनों का एक साझा प्रयास चल रहा है। पंजाब में रेलें रुक रही है 18 पॉइंटों के ऊपर, आज कल से रेल रुक रही है। जो पूरे उत्तर भारत के अंदर बाढ़ आई, हमारी मांग है कि मोदी सरकार इस पूरे क्षेत्र को 50,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दे, ताकि स्टेट सरकारें अपने किसानों को और आम किसान को जो नुकसान हुआ उनका भरपाई कर सके। एक हमारी बकाया मांग है, MSP की पिछले दिन है ही। हमारे 2022 के मुआवजे सारे बीमे पेंडिंग पड़े हैं, 21 तक का ही पेंडिंग पड़ा है। इफ और बट करके सरकार उनको देना नहीं चाहती, इसलिए सरकार किसानों को सड़कों पर आना पड़ता है। तो ये यात्रा इन्होंने फतेहाबाद से निकाली, अब हम इनकी सपोर्ट में यहाँ आए। फिलहाल चंडीगढ़ मीटिंग में जा रहे हैं, 16 के 16 संगठन की वहाँ मीटिंग होगी, आगे की रणनीति वहाँ तय होगी, फिर पंजाब के जहाँ ट्रैक रुके वहाँ भी हम जाएंगे जी। बात यह कि सरकार की नीयत नहीं है, इतने लंबे लंबे आंदोलन चलवाती है, पता नहीं उनके मन में क्या है, उसके बाद छोटी मोटी एक आध मांग मान लेती है उसके, और फिर आंदोलन मतलब बिखेरने में ज़्यादा ध्यान है, किसान का भला करने में ध्यान नहीं। फिर ऐसा नहीं कर सकते कि किसान खुद ही अपनी सरकार बना ले, अगर इस सरकार पर बार बार अविश्वास के आप आरोप लगा रहे हैं तो? चुडू नीते तो नहीं मिलिया यह भाषा तो उसकी भाई। बात यह है कि ऐसा संभव नहीं है। किसानों के संगठन एक सामाजिक संगठन होते हैं, राजनीतिक संगठन के सामाजिक संगठन की सोच में अंतर है। वो हर चीज को वोट के नजर से देखते हैं, सामाजिक संगठन हर चीज को समाज के भले के लिए देखते हैं। वो एक स्वार्थ का संगठन होता है, एक परमार्थ का संगठन होता है। रही सरकार बनाने की बात, इतना भाईचारा हमारी मानना है तो फिर सरकारें दे दे। ये मुद्दा पूरे स्टेट के किसानों का है ना जी। यात्रा में किसने हैं 200, 250, 300, 400, 500? हमारा भाईचारा जितनी की मारी सुना इतनी हम सुना दें। आपने जो बात करी वह घनी बड़ी बात है, इतनी जागरूकता समाज में नहीं है। किसान आंदोलन के दौरान जो आक्रोश था पब्लिक में, उस तरह का अब आक्रोश कम या खत्म होता जा रहा है, कारण क्या देखते हैं इसका? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लहरें अपने आप पैदा होती हैं, कई बार किसान आंदोलन अपने आप पैदा हुआ था जी। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे को, हमारे से मंडियां छीनी जा रही थी, APMC एक्ट समाप्त किया जा रहा था, वो अचानक एक आंदोलन जन्म ले गया। वो अलग चीज है, वो 20-30 साल में एक आध बार होता है, मगर अगर सही दिशा में किसान आंदोलन जाएगा फिर भी किसान दोबारा फिर खड़ा होने के लिए तैयार है। अब ये छोटे छोटे प्रोग्राम तो चलते रहते हैं, इनमें तो सारा किसान आता नहीं क्योंकि स्टेट लेवल के नहीं होते। देखिए हरियाणा का ही कल्चर देखिए आप, अम्बाड़ा फतेहाबाद सिरसा में बाढ़ है, हम कैथल में खड़े हैं, यहाँ मिला जुला असर है, कहीं बारिश है भी नहीं है। गुलाचीका में बाढ़ है, इसार का ऊपरला क्षेत्र में क्या नाम है
आपका सूखा पड़ा हुआ है, कहीं सूखे की मांग की जा रही है तो कहीं बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मांग की जा रही है। ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं। कोई स्टेट लेवल का अकेला एक ही मुद्दा हो उसके ऊपर किसान आज भी इकट्ठा होने के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल, 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, इस तरह की गतिविधियां प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं, बाकी सरकार पर एक तरीके से दबाव बनाने की भी कोशिश है, तो आप इस चीज़ को या पूरे परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या कैसे देखते हैं? देखिए, इलेक्शन एक जब आता है, स्वाभाविक सी बात है कि हर वर्ग चाहता है मेरी आवाज़ बुलंद हो, या तो पक्ष माने या विपक्ष है, हमारे को हमारी मांगों को एजेंडे में ले। तो ये सारी चीज़ें देख करके हर वर्ग के मजदूर अपनी आवाज़ उठाएगा, व्यापारी अपनी आवाज़ उठाएगा, किसान अपनी आवाज़ उठाएगा, ये स्वाभाविक सी चीज़ है। इलेक्शन के आसपास ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर वर्ग चाहता है कि मेरा भला ज़्यादा हो, कर्मचारी भी अपनी उठाओगा, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हर इलेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। अब अंत में, आसपास के गांव गोहाण के किसान आपको देख रहे हैं, उनके नाम कोई संदेश आपका? मेरी प्रार्थना है पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से, अभी नवंबर में बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है, आप सब इकट्ठे होकर के एक बार ये मोदी सरकार को फिर दिखाना होगा कि किसान अभी मरिया नहीं, जिंदा है। मेरी प्रार्थना है कि ये प्रोग्रामों को भी आप, जैसे यात्रा चल रही है या कोई और सभा है, इनको भी आप कामयाब बनाएं, उसके साथ साथ आप बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार रहें, बहुत जल्दी बड़ा आंदोलन होने वाला। चलिए, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुरेश कोथ मेरे साथ थे, और गांव कैलरम की धरती से एक ऐलान कर दिया है कि पगड़ी संभाल जट्टा तो यूनियन जाएगी ही मुद्दों को उठाते हुए, लेकिन इस तरह की जो 16 जत्थेबंदियां हैं वो भी इसमें अपना सहयोग या आहुति डालेंगे। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।